आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया सा पूड़ी बनाना शेयर करती हूँ, बहुत इजी तरीके से। अगर आप मैदा खाना पसंद नहीं करते और भटूरे खाना नहीं चाहते हैं, तो आप इस तरह के भटूरे के जैसा पूड़ी बनाइए। आइए इसे बनाना शेयर करते हैं। तो सिंपल सा गेहूं का आटा लेते हैं, स्वादानुसार नमक डालते हैं और थोड़ा सा इसमें हम अजवाइन डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आए। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आप अगर हींग पसंद करते हैं तो थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं आटे के अंदर। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक मुलायम सा डो तैयार करते हैं, बिल्कुल रोटी के जैसा। जैसे सिंपल अपन रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह का आटा लगाना है। 10 मिनट रेस्ट के लिए रखना है, उसके बाद उसे वापस लेना है। अब गोला बना लेते हैं। जो जितना बड़ा आपको पूरी बनाना है उतना बड़ा आप गोला ले लीजिए और एक पतली सी पूरी बना के तैयार करते हैं। मोटी बिल्कुल नहीं बनाना है, बिल्कुल बढ़िया सा पूरी बन के तैयार होगा, एकदम फूलेगा और अपने आप फूलेगा। ऊपर से ज़रा भी चम्मच को टच भी नहीं करना है हमें, और बहुत अच्छा सा पूरी फूल के तैयार होगा और छोले के साथ में एकदम भटूरे का काम करेगा ये पूरी, और बहुत बढ़िया तैयार होगा। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, उसके अंदर पूरी डाल देते हैं। अब देखिए पूरी कितना मस्त तैयार होता है। फ्लेम को केवल हाई रखना है, हाई फ्लेम पे इसे बनाइए, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। अब देखिए हमारा भटूरा नुमा पूरी बिल्कुल फूल के तैयार हो गया है और बहुत क्रिस्पी तैयार होता है, बहुत बढ़िया तैयार होता है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से उलट पुलट के अपने हिसाब का सेक लेते हैं, जिस तरह का भी कलर आपको चाहिए। तो हम इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन किए हैं और फिर इसे निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार पूड़ी हमारा तैयार हो गया। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, और आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए डियर फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए कितना सॉफ्ट और बढ़िया सा पूड़ी तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट और एकदम छोटा बन जा रहा है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।